एक पुरानी कहानी जो एक ऐसे गांव की है जहां किसी भयानक कर्स ने एक एक करके हर किसी को खत्म कर दिया। तो क्या है इस कर्स की कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में, जो जापानीज हॉरर मूवी उज़ुमाकी के बारे में है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के के मृत शरीर को देखते हैं। इस खून से लथपथ शरीर के पीछे हम एक स्पाइरल आकार बनते नोटिस करते हैं जो बहुत भयानक लग रहा था। आगे हम किरी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो लोगों को अपने बचपन की एक कहानी सुना रही है और घटना उसके टाउन कोरोजुचो में घटित है। कहानी में हम किरी को तेजी से भागता हुआ देखते हैं, मानो वो कहीं जाने के लिए लेट हो रही हो। इस भाग दौड़ के बीच अचानक किरी के सामने एक लड़का आता है जिसे देख वो थोड़ा डर जाती है। इस लड़के का नाम है यामागुची, जो किरी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ता है। यामागुची किरी को सरप्राइज करने की नाकाम कोशिश के बाद अचानक उसे प्रपोज ही कर देता है, सेइंग कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन किरी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और बहाना बनाकर वहां से निकल लेती है। आगे किरी के साथ फिर एक अजीब घटना होती है जहां वो रास्ते में एक आदमी को देखती है जो लगातार किसी स्नेल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए जा रहा था। अब वैसे तो ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो स्नेल के ऊपर बने स्पाइरल स्केल्स को कुछ ज्यादा ही चस्पी लेके घूर रहा है। किरी उस आदमी को देख थोड़ा डिस्टर्ब तो होती है लेकिन वहां से चली जाती है। तो अगले सीन में हम किरी को एक अंधेरे टनल में देखते हैं जहां वो अपने बचपन के दोस्त सुइची का इंतजार कर रही है। जल्दी सुइची वहां साइकिल लेकर पहुंचता है और किरी खुशी खुशी उसके साथ बैठ निकल जाती है। हमें मालूम होता है कि किरी और सुइची बचपन से ही साथ हैं, जहां क्लियरली ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम सुइची और किरी को आपस में वक्त बिताते देखते हैं जहां सुइची काफी परेशान लग रहा था। जब किरी उसे पूछने की कोशिश करती है तब सुइची सिर्फ इतना बताता है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण वो और उसकी मॉम दोनों ही काफी परेशान हैं। किरी सुइची का दुख समझती है और उसे बताती है कि उसने भी उसके पिता को अजीब हालत में देखा है। यहाँ हम रियलाइज करते हैं कि किरी ने रास्ते में जिस आदमी को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि सुइची के पिता ही थे। यहाँ बातों बातों में सुइची किरी से अचानक पूछ बैठता है कि क्या वो उसके साथ इस टाउन को छोड़कर भागना चाहेगी। ऐसी बात सुन किरी सरप्राइज हो जाती है और बात को टाल देती है। अब घर जाने से पहले हम किरी को ग्रोसरी शॉपिंग में देखते हैं जहां सब्जी वगैरह खरीदते हुए उसे एक दुकानदार कांग्रेचुलेट करता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि किरी के पिता एक पहुंचे हुए पॉटरी आर्टिस्ट हैं, जिन्हें हाल ही में सरकार की तरफ से इस कला के लिए इनाम भी मिला है। यह दुकानदार भी किरी के पिता को काफी अप्रिशिएट करता है और सेलिब्रेशन के तौर पे उसे एक मेलन भी गिफ्ट करता है। तो आगे किरी के घर पर हम उसके पिता को काम करते देखते हैं, जब उनसे मिलने सुइची के पिता सायतो आते हैं। यहाँ भी सायतो किरी के फादर के पॉटरी व्हील को बहुत ध्यान से देख रहे हैं जिसमें स्पाइरल डिजाइन बन रहा था। अब खुद किरी के पिता को भी उनका व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन यहाँ सायतो कहता है कि उसे हमेशा से इस स्पाइरल या उजुमा के डिजाइन से काफी इंस्पिरेशन मिला है। वो कहता है कि उजुमा की एक ऐसा पैटर्न है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये बात बहुत फैसिनेटिंग है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे अजूबा आर्ट है। अब ये बातें सुन किरी के पिता थोड़ा वियर्डेड आउट दिखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। यहां सायतो उन्हें अपने लिए एक खास स्पॉट बनाने का ऑर्डर भी देते हैं जिसमें वही उजुमा की यानी स्पाइरल आर्ट बना हुआ हो। खैर, तो अगले दिन हम किरी को स्कूल में देखते हैं जहां वापस एक अजीब हादसा होता है। किरी और उसकी दोस्त उड़ी स्कूल के बेसमेंट में थी जब अचानक ही हम ऊपर स्टेयरकेस से एक लड़के को नीचे गिरते हुए देखते हैं। नीचे गिरने से उसके सर में काफी चोट आ जाती है जिससे उस लड़के की तुरंत मौत हो जाती है। हम नोटिस करते हैं कि ये वही लाश है जो हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखी थी। इस हादसे से स्कूल के बच्चे काफी डर जाते हैं और कुछ लोग इस घटना को किसी कर्स का हिस्सा बताते हैं। वहीं कुछ का कहना था कि ये बस अटेंशन के लिए किया गया एक खतरनाक स्टेप है। सुइची कुछ अलग सोच रहा था। वो किरी से कहता है कि जिस स्टेयरकेस से वो लड़का गिरा था वो स्पाइरल शेप का बना हुआ था। ऊपर से मरने के बाद भी उस लड़के के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी, विच शोज कि इस मौत का लेना देना उजुमाकी से है। जब किरी इस बारे में सुइची से सवाल करती है तो वो उसे बताता है कि कई लोग का मानना है कि उनके गांव में एक अजीब कर्स फैल रहा है जिसे उजुमाकी या स्पाइरल कर्स कहते हैं। इस कर्स के तहत लोग स्पाइरल चीजों के भ्रम जाल में फंस रहे हैं और इन द एंड खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। सुइची कहता है कि उसके पिता में भी उसने ऐसे ही लक्षण नोटिस करे हैं। इनफैक्ट उसके पिता तो काम पे जाने तक बंद कर दिए हैं, बस दिन भर किसी न किसी स्पाइरल चीज को घूरते रहते हैं। और ऑब्वियसली किरी को सुइची की बातें अजीब लगती है और वो इन बातों पर यकीन नहीं करती। ये देख सुइची
किरी को अपने घर इनवाइट करता है ताकि वो खुद उसके पिता का व्यवहार देख सके। तो अगले सीन में हम सुइची और उसकी मॉम को घर पर देखते हैं जहाँ ये दोनों काफी परेशान लग रहे हैं। सुइची अपनी मॉम को सजेस्ट करता है कि उन्हें उसके पिता को किसी अच्छे अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि उनकी बीमारी का कोई हल निकल सके। वहीं हम इस वक्त सुइची के पिता को घर के स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ उन्होंने कई स्पाइरल शेप्ड शो पीसेज इत्यादि जमा कर रखा है। इनफैक्ट खाने के समय भी ये आदमी स्पाइरल शेप्ड फिश केक्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है, टू द पॉइंट जहाँ वो अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसके लिए और खाना अवेलेबल नहीं था। उस रात सुइची के कहने पर किरी उसके घर आती है जहाँ किरी और सुइची अपने माता पिता को झगड़ते हुए पाते हैं। पूछने पर सुइची के पिता उसे बताते हैं कि किसी ने उनका सारा कलेक्शन फेंक दिया है। ये सुन सुइची कन्फेस करता है कि उनका सारा सामान उसने फेंका है क्योंकि क्लियरली उन्हें किसी बीमारी ने घेर लिया है। सुइची की बात सुन उसके पिता बहुत गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि उज़ुमा की एक आइडिया है, कोई बीमारी नहीं, कोई चाहकर भी इस आइडिया को मार नहीं सकता। वो कहते हैं कि अगर उन्हें उज़ुमाकी से जुड़ा कोई सामान नहीं मिला तो वो इस आइडिया को खुद अपने शरीर से व्यक्त करेंगे। अब ये बात कहने के बाद सुइची के पिता अपनी आंखों के पुतलियों को अजीब तरह से चारों ओर घुमाने लगते हैं। ये देख वहां मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं और दूर खड़ी किरी तो डर से बेहोशी हो जाती है। अब जब सीन कट होता है तो हम किरी को वापस से स्कूल में देखते हैं और हमें पता चलता है कि कल रात वाले हादसे के बाद किरी काफी सदमे में चली गई है। उरी उसे उसके दुखी होने के कारण पूछती है लेकिन किरी कुछ भी नहीं कह पाती। तभी क्लास में एक दूसरा बच्चा एंटर करता है जो बारिश में भीगते हुए भागते हुए क्लास पहुंचा था। टीचर उसे उसके लेट होने का कारण पूछते हैं और हमें पता चलता है कि ये बच्चा कई दिनों से स्कूल नहीं आया था, लेकिन पूछने के बावजूद ये लड़का कुछ खास जवाब नहीं देता। अब क्लासरूम में एंटर करते ही बाकी स्टूडेंट्स उसका काफी मजाक बनाते हैं, जिस पर ध्यान देते हुए ये लड़का अपनी सीट पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गलती से एक दूसरे लड़के से टकरा जाता है। हम देखते हैं कि क्लास के बच्चे उसे मारने पीटने पर उतर आते हैं और टीचर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। इसी बीच हम एक और अजीब चीज नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि इस लड़के के कमीज के नीचे एक अजीब चीज चल रही है, जैसे कोई स्नेल, लेकिन हमारे अलावा कोई और इस बात पे ध्यान नहीं देता। तो अगले सीन में हम किरी को घर पर देखते हैं जहां उसके पिता उसे सुइची के घर वही पॉट पहुंचाने का काम देते हैं जिसका ऑर्डर उन्हें मिला था। पिछले दिन के घटना के बाद किरी वहां जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो मना भी नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि किरी वो पॉट लेकर अंधेरे रात में सुइची के घर पहुंचती है लेकिन बार बार नॉक करने के बावजूद कोई डोर नहीं खोलता। तभी अचानक किरी को घर के पीछे के स्टोर रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब किरी इस आवाज को फॉलो करते हुए यहां पहुंचती है तो उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। उसे मिलती है सुइची के पिता की लाश, जिसे देख वो जोरों से चीख उठती है। उसकी आवाज सुन यहां सुइची और उसकी मां भी पहुंचते हैं जो पूरी तरह टूट जाते हैं। तो इस दुर्घटना के बाद हम एक फ्यूनरल का नजारा देखते हैं जहां टाउन के सभी लोग सुइची के पिता के अजीबोगरीब मौत के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को लाश बहुत खराब हालत में मिली लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतना दर्दनाक मौत क्यों मरना चाहेगा। वहीं किरी और सुइची को हम साथ देखते हैं जहां किरी सुइची को सपोर्ट करती है। इतने बुरे हालत में भी सुइची काफी काम लग रहा था और वो किरी से कहता है कि उसे अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। सुइची किरी से एक बार फिर टाउन छोड़ने की बात करता है क्योंकि उसे अब पूरा यकीन होने लगा है कि उनका गांव किसी शाप के प्रभाव में है। इधर फ्यूनरल के दौरान अचानक ही सुइची की मां ऊपर आसमान की तरफ देख चीख उठती है और हम देखते हैं कि आसमान में पूरी तरह काला धुआं भरने लगा है जो उज़ुमाकी की तरह एक विशाल स्पाइरल आकार में गांव को घेर लिया है। ये देख वहां मौजूद सभी लोग शॉक रह जाते हैं और सुइची की मां बार बार इस धुएं को अपने पति का नाम ले यहां से चले जाने को कहती है और हम देखते हैं कि उनकी हालत काफी खराब हो रही है। उसी देर में उनकी आंखें भी ठीक अपने पति की जैसे गोल गोल घूमने लगती है और सुइची उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल के लिए निकलता है। एम्बुलेंस में हम सुइची की मां को बदहवास हालत में देखते हैं जहां किरी भी उनके साथ है। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है जहां टाउन का एक तालाब ड्रैगन फ्लाई लेक मौजूद था। वो नोटिस करती है कि फ्यूनरल वाला धुआं अब वहां से निकलकर किसी तरह इस लेक के पानी में दाखिल हो रहा है जो बहुत अननेचुरल प्रतीत हो रहा था। खैर अगले सीन में हम किरी और सुइची को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां सुइची की मां की हालत अब भी नाजुक थी। एक समय उन्हें होश तो आता है लेकिन वो अपने उंगलियों में बने स्पाइरल देख बहुत घबरा जाती हैं और वापस बेहोश हो जाती हैं। इधर परेशान सुइची और किरी से मिलने एक रिपोर्टर आता है। ये रिपोर्टर था तामुरा जो खास सुइची से उसके पिता साइतो के बारे में बात करने आया था। तामुरा सुइची को बताता है कि कुछ दिन पहले उसके पिता तामुरा से मिलने उसके ऑफिस आए थे। बताता है कि उस समय भी वो लगातार किसी उज़ुमाकी के बारे में बात कर रहे थे और इसी जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे। इस घटना के बाद ही ये सब कुछ हुआ जो आप देख रहे हैं, जिस कारण वो जानना चाहते हैं कि आखिर साइतो को हुआ क्या था। तो तामुरा की बात सुन किरी और सुइची उन्हें साइतो के रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाते हैं जहां उन्होंने हर स्पाइरल चीज को रिकॉर्ड कर रखा था। इस टेप में उस रात की वीडियो मिलती है जब साइतो मारे गए थे। वीडियो में भी हम देखते हैं कि सुइची के पिता ने मरने के लिए घर का
वॉशिंग मशीन चुना था जिसके अंदर स्पाइरल मशीन्स लगे हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस मशीन के अंदर खुद दाखिल होने से पहले उन्होंने इसमें एक आयना रखा था जो सूची बताता है कि उसकी मॉम का आयना था। यही नहीं, मरते वक्त इतने भयानक दर्द के बावजूद वीडियो में हम सायतो को हंसते हुए देखते हैं, विच वॉज क्रीपी। ये कैमरा लेकर तामुरा वहां से जाने लगता है। सूची से वादा करता है कि वो इस बारे में और पता लगाएगा। आगे हम किरी को घर जाते हुए देखते हैं जहां तामुरा उसे अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर रहा है। रास्ते में जाते हुए तामुरा किरी से उसके और सुची के बारे में पूछता है, जिस पर किरी बताती है कि वो बस हर हाल में उसका साथ देना चाहती है, बिकॉज सुची ने भी उसके लिए यही किया है। इस बातचीत के दौरान अचानक गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। तामुरा हड़बड़ी में गाड़ी रोकता है और हम देखते हैं कि आदमी और कोई नहीं बल्कि किरी के पिता है। उनकी हालत काफी खराब लग रही थी जहां उनके कपड़े पूरी तरह मिट्टी में सने हुए थे। इसके बावजूद वो काफी शांत लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। जब किरी उनसे पूछती है कि वो कहां थे, तब वो बस इतना बताते हैं कि वो अपने पॉटरी के लिए मिट्टी लेने ड्रैगन फ्लाई लेक के पास गए थे। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। घर पर हम उनकी हालत को और बिगड़ता हुआ देखते हैं जब किरी उन्हें आधी रात में घर के बाहर ताकते हुए पाती है। किरी अपने पिता को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो उल्टा उसे ही डांट कर अंदर भेज देते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्पाइरल की ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शहर को अपने कब्जे में लेने लगी है। स्कूल में हम स्टूडेंट्स को स्पाइरल आकार से ऑब्सेस्ड होते हुए देखते हैं जहां लोग इसी तरह से अपना बाल आदि बनाने लगे हैं। वहीं हम स्कूल के एक बच्चे के यूनिफॉर्म के नीचे वही स्नेल उभरता देखते हैं जो हमने पिछले सीन में देखा था। इस बच्चे की हालत काफी खराब लग रही थी जहां स्कूल में लोग नोटिस करते हैं कि वो अचानक से बदलने लगा है, हद से ज्यादा पानी पीने लगा है और उसने लोगों की बातों का जवाब देना भी बंद कर दिया है। दूसरी तरफ रिपोर्टर तामुरा उस शहर में फैले इस बीमारी के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस रिसर्च के दौरान ड्रैगन फ्लाई लेक के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि पुराने समय में इस लेक के अंदर कुछ ऐतिहासिक मिरर्स पाए जाते थे जो लोगों को स्पाइरल शेप दिखाकर अपने वश में कर लें। कहीं ना कहीं इस मिरर का नाता उसी आईने से था जो मरने से पहले हमने सायतो के पास भी देख रखा है। ये बात बताने के लिए तामुरा सुइची और किरी को उसी लेक के पास मिलने बुलाते हैं। उधर हम सुइची की मॉम को पूरी तरह डिटोरिएट होते देखते हैं और वो अस्पताल में मौजूद हर स्पाइरल चीजों से डरने लगती है। इनफैक्ट इस सब के दौरान वो खुद को जख्मी भी कर लेती हैं। रात को सोते हुए कहीं से उनके कमरे में हम एक स्नेक को आते देखते हैं, जिसे देख सुची की मॉम पूरी तरह पागल होने लगती है। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो उनसे बार बार ये कह रही थी कि उसे स्पाइरल से भागना नहीं चाहिए, ये स्पाइरल उसके अंदर मौजूद है। ये बातें सुन वो इतना डर जाती है कि खुद को ही मार डालती है। इधर सुची और किरी सच जानने के लिए तामुरा से मिलने आ रहे होते हैं जब अचानक यामागुची उनका रास्ता रोक लेता है। यामागुची किरी को इम्प्रेस करने के लिए पागल हो चुका है और उसकी आंखों के सामने चलती गाड़ी के पहिए में फंसकर मारा जाता है। मरने के बाद हम उसके शरीर को भी उसी स्पाइरल में बदलते देखते हैं। वहीं ये गाड़ी तामुरा की निकलती है और इस एक्सीडेंट में उसकी भी जान चली जाती है। फिल्म के अंत तक उजुमाकी का कर्ज इस पूरे टाउन को बर्बाद करने लगा था। हम एक न्यूज के बारे में सुनते हैं जो किसी टाइफून के बारे में था जो इसी टाउन में जल्द ही आने वाला है। इस टाइफून के आने तक गांव में हर कोई धीरे धीरे स्पाइरल के प्रभाव में मारा जाने लगता है। हम एक न्यूज रिपोर्टर को किरी के स्कूल के बाहर देखते हैं जो अपने कैमरे में स्कूल के बाहर का नजारा दिखाती है। हम स्कूल की दीवार पे दो जायंट स्नेल्स को देखते हैं और रिपोर्टर में बताती है कि ये स्नेल्स हाल ही में इस टाउन में उभरे हैं और कई बच्चों का कहना है कि असल में ये ह्यूमंस हुआ करते थे। इस बात से हम अंदाजा लगाते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद ये स्नेल्स वही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनके शरीर पे हमने स्नेल का आकार उभरते देखा था। अनलाइक अस, स्कूल में स्टूडेंट्स इन ह्यूमन स्नेल्स और इनके स्पाइरल आकार से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं, जहां कई लोग इसे एक ट्रेंड की तरह देख रहे हैं। वहीं जब रिपोर्टर्स इस खबर को कवर करने के बाद टाउन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें एक ट्रेन टनल के अंदर स्पाइरल में फंसते देखते हैं। इस भूल भुलैया में फंसने के कारण इनकी भी मौत हो जाती है। अब इतना कुछ हो रहा है तो किरी और सुइची यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही सुइची इस कर्ज का शिकार हो जाता है। हम उसके शरीर को धीरे धीरे उसी आकार में मुड़ते देखते हैं जिसके बाद उसकी भी जान चली जाती है और यही हश्र किरी का भी होता है। फिल्म के एंड सीन में हम पाते हैं कि ये पूरा टाउन एक मरुभूमि में तब्दील हो चुका है और बचा है तो बस ड्रैगन फ्लाई लेक, जिसके ऊपर हम उन्ही काले बादलों को बड़े से उजुमाकी के शेप में देखते हैं। यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थी फिल्म उजुमाकी की पूरी कहानी, जो एक ऐसे गांव के बारे में है जिसके लोग इसी नाम के कर्ज से पीड़ित हो जाते हैं। एक ऐसा कर्ज जो धीरे धीरे इस टाउन या गांव के लोगों को एक डीप रूटेड मैडनेस की ओर ले जाता है। ये फिल्म जुंजी उतो के मांगा उजुमाकी से ही इंस्पायर्ड है। ये कहानी हमें बिजारो अनएक्सप्लेन्ड ऑब्सेशन और आउट ऑफ कंट्रोल फियर की कहानी दिखाता है। शुरुआत में सब धीरे धीरे शुरू होता है जहां किरी और सुची को अपने आस पास लोग एक स्पाइरल से ऑब्सेस्ड होते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंत आते आते ये चीजें ठीक वैसे ही बिगड़ती है जैसे एक स्पाइरल के अंदर सब कुछ मिल जाता है या खत्म हो जाता है। जैसे इस टाउन में सभी लोग उजुमाकी के अपीयरेंस से ऑब्सेस होने लगे
और इन द एंड इसी में खत्म हो गए। फिल्म के एंड में हम सुइची और किरी को स्पाइरल में फंसकर खत्म होते देखते हैं, जिसे कई लोग एक ट्रेजिक लव स्टोरी के रूप में देखते हैं, एक कर्स जो इन दोनों को अपने साथ ले गया। अब इस फिल्म का मेजर फियर फैक्टर ये भी है कि हमें कहीं बताया नहीं जाता कि आखिर उज़ुमाकी कहां से शुरू हुआ, क्या ये कोई बीइंग है या फिर कोई इविल फोर्स, ये क्यों लोगों पर इस कदर अटैक कर रहा है। इस डर को उस जमाने में डायरेक्टर ने खूबसूरती से कैप्चर किया है, जहां कई सीन्स में हम कैमरा एंगल्स को स्पाइरल होते हुए देखते हैं, जो एक सेंस ऑफ डूम क्रिएट करता है। This is a great filmography. और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि ये हॉरर में कौन सा जॉनर है। जी हाँ, नहीं समझे तो बता दूँ, कॉस्मिक हॉरर। और जो लोग मेरे चैनल से पुराने समय से जुड़े हैं, उनको पता होगा कि कॉस्मिक हॉरर मेरा वन ऑफ द फेवरेट जॉनर है। अब फिल्म से अलग अगर हम जुनजीटो यूनिवर्स को फॉलो करें, तो हम जान पाते हैं कि उज़ुमाकी हजारों साल से इस गांव में चल रहा है। ये एक इविल फोर्स है जो इंसानों को इन्फेक्ट और उनके शरीर और दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। ये कर्स हर कुछ हजार सालों में इस टाउन में आता है और यहां के लोगों को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इस एंटिटी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। शायद ये कर्स एक अंडरग्राउंड सिटी से जुड़ा है जिसका नाम है सिटी ऑफ स्पाइरल्स। कर्स के अंत में उज़ुमाकी कुरोज़ोचो यानी कि ये जो गांव है उसको स्पाइरल टाउन में बदल देता है, जो सीधे इसी सिटी ऑफ स्पाइरल से जुड़ जाता है। मांगा में उज़ुमाकी बहुत स्ट्रांग है, जो इंसानों के अलावा पेड़ पौधों को, जानवरों को, यहां तक कि हवा पानी तक को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिल्म में हम देखेंगे ये कर्स सिर्फ लोगों को इफेक्ट कर रहा है और लेक ड्रैगन फ्लाई तक सीमित है। शायद इसी लेक के अंदर मरे हुए लोग मौजूद कैद हो रहे हों। अब एंडिंग की बात करें तो मांगा में सुइची की मौत नहीं होती, वो इस कर्स से इन्फेक्ट होता है मगर रिकवर कर पाता है। उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और वो इस स्पाइरल फोर्स से जूझने की शक्ति रखता है। इनफैक्ट किरियो उसके पिता भी कई बार इस कर्स का सामना करते हैं, लेकिन अगेन फिल्म में हम उन्हें हार मानते हुए देख पाए तभी वो मारे गए। इस फिल्म से हमें कहीं ना कहीं ऑब्सेशन और मैडनिंग हॉरर के बारे में बताया गया है, एंड ऑफ कोर्स कॉस्मिक हॉरर। समझ पाते हैं कि पागलपन और ऑब्सेशन किसी भी चीज से कहीं से भी शुरू हो सकता है और बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। अब वैसे इस फिल्म से सीखने को तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कॉस्मिक हॉरर है, एकदम डिफरेंट एंटिटी है, बट कुछ तो मैं निकाल के आपको बोल दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, यही थी मेरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी लाइक करवाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।